हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बूंदी के लड्डू। इंस्टेंट बूंदी के लड्डू बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। मैंने कई बार बना चुकी हूँ, इस बार दिवाली पे भी बनाए, इसलिए आपसे शेयर करने जा रही हूँ। इंस्टेंट दिवाली पे आप बनाए इंस्टेंट बूंदी के लड्डू, बहुत जल्दी बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। हैप्पी दिवाली। इंस्टेंट बूंदी बनाने के लिए मैंने लिया थोड़ी सी बूंदी, ये मैंने 1/4 कप पानी लिया है और 1/4 कप शुगर लिया है, सेम प्रोपोर्शन में चाहिए शुगर, और केसर के धागे, इलायची पाउडर और थोड़े ड्राई फ्रूट्स और केसरिया कलर। और अगर उसमें थोड़ा सा आपको ग्रीन बूंदी भी मिलाना है तो थोड़ा सा ग्रीन कलर लिया है। इसमें मैं चाशनी डाल दूंगी, मैं आपको दिखा दूंगी। ओके, तो अभी हमको चाशनी बनानी है, तो मैं शक्कर और पानी डाल रही हूँ। सिर्फ इसमें चाशनी बनाने का ही काम है और ज़्यादा काम भी नहीं है, 10 मिनट में हमारी बूंदी बन जाती है। चाशनी अच्छे से बननी चाहिए, चाशनी हमको एक तार की नहीं बनानी है और झाड़ रखना है, सिर्फ चिपचिपी होनी चाहिए। ये शक्कर पिघल रही है, तब तक हम इसमें डाल देते हैं केसर के धागे। कलर भी डाल देते हैं, और इलायची पाउडर भी डाल देते हैं। ये चाशनी हो गई है, ये देखो। हम लोग को एक तार की नहीं बनानी है, सिर्फ चिपचिपी बनानी है। गैस स्लो कर देंगे, थोड़ा सा मैंने इसमें भी डाल लिया है, तो 2-4 बूंदी, ज़्यादा नहीं, मैं इसमें डाल देती हूँ। बस जैसे हमको चाहिए वैसे हम डालेंगे बूंदी। बूंदी डालते जाना है, हमको समझ जाएगा कि कितनी चाहिए। थोड़ी और लगेगी। अभी हो गया, अभी देखो और डालने की जरूरत नहीं है। अभी गैस बंद करना है और इसको 10 मिनट हमें, देखो ये चाशनी नहीं बची है ना, अभी जरूरत नहीं डालने का। 10 मिनट के लिए हम गैस बंद करके रख देंगे, 10 मिनट नहीं 5 मिनट हम वेट करेंगे, मतलब इसको ढक के रख देंगे और ताकि ये पूरा अच्छे से सोक कर ले, और फिर हम लड्डू बनाएंगे। ये पूरा बूंदी ने चाशनी सोक कर ली है, हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी डालने से क्या होता है, ऐसे लगता ही नहीं कि बूंदी घर की नहीं है, घी की नहीं है, घी का अलग टेस्ट आता है। ओके, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो भी है, मिक्स करेंगे और बस 2 मिनट ठंडा करना है और फिर लड्डू बनाना है, क्योंकि लड्डू भी एकदम ठंडे होंगे तो नहीं बनाना है, उसके पहले पहले थोड़े गर्म में बनाना है, हल्के हल्का जो आप हाथ में पकड़ सको। ये जो ग्रीन हमने रखा था ना थोड़े अलग से, वो भी हमें इसमें मिक्स करना है, लड्डू बनाएंगे तो अच्छा कलर आएगा फिर मिक्स का। ओके, चाशनी अभी लुकवार्म हो गई है, ये बूंदी, अभी हम इसका लड्डू बनाएंगे। ओके, ये बूंदी के लड्डू हमारे जितना बड़े चाहिए उतने बड़े बनाओ, जैसे जैसे चाशनी थोड़ी गाढ़ी होगी ना वैसे वैसे ग्रिप पकड़ने लग जाएगा। ओके, देखो हमारे लड्डू जितने आपको बड़ा चाहिए, मैंने थोड़ा बड़ा लिया है। इस तरह आपको सारे लड्डू बनाने हैं, जब ये सूखेंगे थोड़े ठंडे होंगे तो एकदम ग्रिप पकड़ लेंगे, हो जाएंगे हलवाई जैसे तैयार बूंदी के लड्डू। दिवाली पे आप फटाफट स्वीट्स बनानी है तो इसे बना सकते हैं, गणेश जी को प्रसाद बूंदी के लड्डू का जरूर लगता है। तो फ्रेंड्स,
ये देखिए हमारे कितने सारे बूंदी के लड्डू तैयार हो गए हैं, कम से कम खर्चे में और कम से कम मेहनत में। दिवाली पे आप भी बनाइए बूंदी के लड्डू। हैप्पी दिवाली। मेरा चैनल, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।